देखो, बैक बॉन्डिंग में वेदांत यस सर, वेदांत बैक बॉन्डिंग पढ़ लिया पूरा? अच्छा, यस सर, अगर इमीडिएटली आंसर किया है तो बिल्कुल ढंग से याद है। वेदांत, मैंने कल तीन कंपाउंड बताए थे जिसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी विद रीजन, बता सकता क्या अभी बिल्कुल बिना देखे? सर एक NCl3 था, एक PCl3 था हाँ, सर, एक Cl2O था। PF3 था, एक गलत हो गया ना, PCl3 नहीं, PF3 था, यस सर, सही ना। अब इसका रीजन, कनिष्क कोई भी बच्चा जो इसका रीजन दे देगा। यस सर, हाँ कनिष्क बोल, क्या रीजन थे इसके, क्यों इनके अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? सर नाइट्रोजन और क्लोरीन के पास दोनों के पास लोन पेयर है, और जिससे जिस उनके लोन पेयर के बीच बहुत सारी इलेक्ट्रो लोन पेयर रिपल्शन हो जाती है, और ये फर्स्ट रीजन था। और सेकंड रीजन ये होता है कि नाइट्रोजन जो है वो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन देता है वो वापस खींचता रहता है, तो इस वजह से इनके बैक बॉन्ड नहीं आती। हाँ, दोनों रीजन है, जैसे CCl3 नेगेटिव है, इनमें भी तो दोनों के पास लोन पेयर थे, तो फिर क्यों नहीं हो रहा इसमें ऐसा? दोनों का लोन पेयर है ना, इसमें क्यों नहीं हो पाया कनिष्क, कैसे बोले हो? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव लगभग सेम है। हाँ नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ सेम है, इसकी तो 3 होती है और इसकी 2.4 होती है कार्बन की, और नेगेटिव आने से तो और कम हो जाएगी, तो ये आसानी से दे देगा ना लोन पेयर अपने वेकेंट ऑर्बिटल्स में। नहीं समझा कनिष्क? तो यस सर, ये आना चाहिए, बहुत अच्छा कनिष्क, ये तुम लोग, ये पूरा सिंसेरिटी लेवल ना कनिष्क की तरह होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट रहता है हमेशा, ये इस टाइप से पढ़ोगे तो फिर कभी भूलोगे नहीं, शुरू से करना है पूरा काम। अब जैसे आप बैक बॉन्डिंग है, मैं एक दो क्वेश्चन ले रहा हूँ इसके, फिर आगे हमें ब्रिज बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैक बॉन्डिंग में तो तुम्हें सिंपल पता है कि क्या करना होता है, एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए, दूसरे के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, उसके वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, एक लोन पेयर बस। हाँ, कंडीशन ये है कि वो 2p पाई ही हो, या 2p पाई 3d पाई हो, या 2p पाई 3p पाई, ज्यादा से ज्यादा ये तीन केसेस हैं तो बैक बॉन्डिंग होगी आसानी से, तो बैक बॉन्डिंग आसानी से हो जाएगी। अगर ये तीन केसेस है, ये तीन केस याद रखना है, तो 2p पाई 2p पाई अगर लेना है, 2p पाई 2p पाई का बेस्ट एग्जाम्पल BF3, BF3 के अंदर बैक बॉन्डिंग है। 2p पाई 3d पाई का एग्जाम्पल, 2p पाई 3d पाई के अंदर मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लो उसका, जैसे मैंने ले लिया से ये CCl3 नेगेटिव ले लिया, C के पास नेगेटिव है, लोन पेयर है, और D में जा रहा है, वेकेंट D में जा रहा है, और भी एग्जाम्पल है इसके, बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे और ले लेते हैं, ये ले लिया SiO नेगेटिव ले लो, SiS3O नेगेटिव ये ले लिया, SiS3OH ले लो, तो उसमें भी होगी बैक बॉन्डिंग, उसमें भी बैक बॉन्डिंग होगी। ये है 2p में, इसका खाली है 3d, तो 2p पाई 3d पाई हो जाएगी। और 2p पाई 3p पाई में, 2p पाई 3p पाई में क्या आएगा एग्जाम्पल, 2p पाई 3p पाई, इसमें चांसेस कम होते हैं, इसके चांसेस कम है। जैसे मैं इसमें ले लूं अगर SiO, तो इसका 2p है और इसका 3p खाली है, SiO है ना, तो 3p इसका खाली होगा। या फिर इसके अलावा ले लेते हैं हम एग्जाम्पल BeCl2, बेरिलियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बेरिलियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, SiO हटा दो, इसमें ज्यादा इफेक्टिव होती नहीं है। बेरिलियम क्या है यहाँ पे, 2p खाली है, 2p खाली है, और ये अपने 3p के लोन पेयर इसको देगा, 3p के लोन पेयर देगा BeCl2 के अंदर, समझ गया कि नहीं? ये 2p पाई 3p पाई, या BeCl3 ले लो, ऐसे याद रख लो, इसमें BF3 है, इसमें BeCl3 है, बस ये याद रहेगा, समझ गए कि नहीं? ये सर हाँ बोलो, सर CCl3- में उसमें रिपल्शन नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की? नहीं होगी ना, मैंने अभी तो बताया तुम्हें, सी कम इलेक्ट्रोनेटिव है तो लोन पे देकर स्टेबलाइज कर सकता है अपने वेकेंट ऑर्बिटल्स में क्लोरीन, सी ठीक है सर, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो आसानी से लोन पे दे देगा इसके वेकेंट ऑर्बिटल 3D में, इसके 2p के लोन पे चल जा सकते हैं आसानी से, तो 2p पाई 3d पाई हो जाएगी। अब जैसे एक दो एप्लीकेशन देख लेते हैं इसकी, जैसे मैंने तुम्हें बोला इसके अंदर बी
ले लिया मैंने बी एच टू एन आर टू, बी एच एन आर टू होल ट्वाइस, बी एन आर टू होल थ्राइस, ये दे दिया। और तुम्हें बोला इसको अरेंज करो तुम बी एन बॉन्ड लेंथ में, बी एन वन टू थ्री है, बी एन बॉन्ड लेंथ में अरेंज करो। दूसरा क्वेश्चन बी एफ थ्री बी एच एफ टू बी एच टू एफ, बी एफ बॉन्ड लेंथ में अरेंज करो, बी एफ बॉन्ड लेंथ में, बॉन्ड स्ट्रेंथ में, बॉन्ड ऑर्डर में, जो भी तुम्हें समझ आए उसमें अरेंज करो। सर क्लोरीन में वेकेंट पी ऑर्बिटल थोड़ी होता है। हाँ वेदांत क्या कह रहा है? सर क्लोरीन में तो वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है ना। वेदांत देख देख, जैसे अगर BeCl2 है, BeCl2 है, इसमें Cl का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं? यस सर कंप्लीट है, कंप्लीट है ना। और 2p, ये क्या बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट है? सर इसका नहीं, नहीं है ना इसका, तो इसलिए बेरिलियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इसके लोन पेयर के, समझा कि नहीं है? तो डी ऑर्बिटल की तो बात ही नहीं करनी है आप। यस। और ऐसे ही BeCl3 देख, इसमें क्या वेकेंट डी ऑर्बिटल की बात करेंगे? नहीं सर। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर हो गया। देखो एक चीज ध्यान रखना सब सब बच्चे, ये ना बहुत छोटी सी चीज थी लेकिन ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करती है कि Cl है तो वेकेंट डी ऑर्बिटल ही देखना है, Cl है तो वेकेंट डी ऑर्बिटल ही देखना है, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। वो चेक करना है किसको रिक्वायरमेंट है, Cl के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स भी हैं और लोन पेयर भी है, तो दूसरे की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा कि ये अपने लोन पेयर देगा कि अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसकी जो इसका जो वैलेंसी है इट कैन एक्सीड 8, 8 से पार, 8 से ज्यादा होते हैं इसके पास, ये हाइपरवेलेंट हो सकता है कि नहीं क्लोरीन, क्योंकि इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, इट कैन बी हाइपरवेलेंट। बता रखा मैंने ये जब स्ट्रक्चर मेकिंग सिखाया था तो मैं बोला था कि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो सकता है, और थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना जा सकता है? 6 तक जा सकता है, एज इट हैज वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। अच्छा अभी ये क्वेश्चन किया है किसी ने? किसी ने किया क्वेश्चन ये? सर सबसे ज्यादा बी एन आर टू का होल थ्राइस होगी, बॉन्ड लेंथ सर सबसे ज्यादा उसमें होगी बी एन आर टू होल थ्राइस में, बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ बी आर एन आर टू, बॉन्ड लेंथ बी एन आर टू होल थ्राइस की ज्यादा है, क्यों ज्यादा है ये आकाश के लिए? उसका तो यस सर आकाश सर उसका बॉन्ड ऑर्डर 4/3 आ रहा है। देखो बी एन आर टू बी एन आर टू बी एन आर टू बोरोन को एक बॉन्ड बनाना है, बोरोन को एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाना है और वो तीनों नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देकर के बनाएंगे। एक बॉन्ड तीन जगह बन रहा है, एक बॉन्ड तीन जगह बन रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? एक बॉन्ड पहले से था तो 1+1/3 यानी 4/3, कोई डाउट? और ऊपर क्या है? बी एच है, एन आर टू है, एन आर टू है। अब एक बॉन्ड दो नाइट्रोजन मिलके बना रहे हैं, एक बॉन्ड दो नाइट्रोजन मिलके बना रहे हैं, एक बॉन्ड पहले से था तो 1+1/2, 1+1/2। और ऐसे लास्ट वाले में
BHHNR2 एक बॉन्ड एक ही नाइट्रोजन बैक बॉन्डिंग के थ्रू बनाएगा 2p pi 2p pi 2p pi 2p pi बैक बॉन्डिंग चल रही है तो 1+1 यानी 2 अप्रोक्सीमेटली है, एग्जैक्ट नहीं है ये 2 बॉन्ड ऑर्डर। अब तुम्हें पता है बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसमें है, ये ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर का, तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ का सेम ऑर्डर आएगा, बॉन्ड लेंथ का उल्टा। बहुत अच्छे आकाश, आकाश ऐसे ही किया है? यस सर ऐसे ही करा है। हाँ परफेक्ट आंसर है बिल्कुल। 11th वाले किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है इसमें जो सिखाया मैंने अभी? ये तुम ऐसे क्वेश्चन खुद फ्रेम कर सकते हो। कनिष्क, वेदांत, निशि, निधि और किसी से निकला था ये? वेदांत निकला था तेरे से आंसर कि नहीं? यस सर हो गया था। और अच्छे, श्रुति का से निकल गया था। yes, चलो और BF3, हाँ कल करवाया था इस टाइप का BF3 BHF2 BH2F, इसमें क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर? सेम क्वेश्चन है, अलग है ये? सर सेम है, ये आ जाएगा इसे? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब देखेंगे नेक्स्ट। अब जैसे मैंने दिया ये तुम्हें समझ आ गया, अब तुम्हें बैक बॉन्डिंग का कैसे क्लियर, मैं क्वेश्चंस करा दिए इसके थे, बैक बॉन्डिंग के क्वेश्चंस तुम्हें क्लियर होंगे अभी। तुम बताओ इसमें, चलो एक ही बताओ, बैक बॉन्डिंग से कम रिलेटेड है BCl3 AlCl3, जल्दी जल्दी बोलेंगे। ल्यूस एसिड स्ट्रेंथ दोनों में किसकी जा रहा है? PF5 PCl5, ल्यूस एसिड स्ट्रेंथ किसकी जा रहा है? BCl3 साइज छोटा है ना बी का, तो इलेक्ट्रॉन दूसरे से जल्दी एक्सेप्ट करेगा। ऐसे ही PF5 में पी पे पॉजिटिव जा रहा है, तो पी पॉजिटिव को रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए PF5, इसलिए PF5। कोई डाउट तो नहीं है सर? इसमें तो हम डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं 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 ऐसे ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये तो मैं कंसेप्ट ये है ना कि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, P से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, P पे पॉजिटिव ज्यादा आएगा, पॉजिटिव ज्यादा आएगा तो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, इसलिए दूसरे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो ल्यूस एसिड होता है। यस सर, मतलब आप ये किसने बोला था अभी? ने, सर उज्ज्वल गुप्ता सर, केमिकल बॉन्डिंग में आपने सर ये मतलब एक छोटा सा वो दिया था कि सराउंडिंग एटम अगर चेंज हो रहा हो और हाँ, मैं समझ गया, वो हाइड्राइड्स के केस में बताया था मैंने, वो अलग चीज है लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए उज्ज्वल। सिर्फ ये याद नहीं करना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो फिर एसिड कैरेक्टर ज्यादा होगा, अभी बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसके पीछे। यस सर समझ। अभी बहुत सारे मतलब जैसे इसमें भी मैंने रेजोनेंस नहीं पढ़ाया, बॉन्ड लेंथ नहीं सिखाया, अभी काफी चीजें इसके अंदर, तो जितना बताया उसको उतना तो ध्यान रखना है। जैसे ये दे दिया PCl5 SiCl4 AlCl3 AlCl3 और एक ले लेते हैं, चलो SF6, इसको अरेंज करना है एसी कैरेक्टर में। सर सर SF6 PCl5 बोलो बोलो। देखो इसके अंदर ना आंसर आना चाहिए SF6 सबसे ज्यादा, फिर PCl5, फिर SiCl4 सॉरी, फिर SiCl4, फिर AlCl3, ये आंसर आना चाहिए, यही आना चाहिए आंसर कि नहीं? Yes, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको भूलना नहीं है। सल्फर जो है अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता क्योंकि सल्फर का साइज पीरियड में जाते हुए छोटा हो जाता है, साइज छोटा होने की वजह से ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, स्टिरिक क्राउडिंग हो जाती है इसके अंदर,
इसलिए इट इज नॉट ए ल्यूस एसिड एट ऑल. इसको याद रखना, इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, एक्सेप्शन में है, रीजन मैंने बता दिया है, नॉट ए ल्यूस एसिड एट ऑल. ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता, ये अपना कोऑर्डिनेशन नंबर भी एक्सपेंड नहीं कर सकता, इसको भूलना नहीं है. इसलिए आंसर क्या आएगा, PCl5, SiCl4, AlCl3 और फिर आ जाएगा SF6, वो तो है ही नहीं ल्यूस एसिड. अब जैसे ये दिया, ये बताओ जरा BeF2, BeCl2, ये देखते हैं किसको ध्यान है, ल्यूस एसिड करेक्टर. बोलना है किसी को आंसर, वेदांत सर BeCl2 ज्यादा होगा. रीजन सर BeF2 में ज्यादा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी तो ल्यूस एसिड करेक्टर घट जाएगा. बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, BeCl2 ज्यादा अच्छा है. जैसे तुमने अभी ये किया ना, पीछे क्वेश्चन कराया मैंने कहा था ये क्वेश्चन तो भूलना ही नहीं मत बिल्कुल, कुछ भी ना आता हो बैक बॉन्डिंग में इस क्वेश्चन को मत भूलना. BF3, BCl3, BBr3, BI, नंबर वन पे इसको मत भूलना, इस क्वेश्चन को. ल्यूस एसिड करेक्टर कह लो, ऑर्डर ऑफ पी पाई बैक बॉन्डिंग कह लो, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, या इस क्वेश्चन को मत भूलना. SiS3 होल थ्राइस एन, CS3 होल थ्राइस एन, ये भी बहुत बार पूछा जाता है. इन दोनों में से कौन सा अच्छा ल्यूस बेस है, इन दोनों में से नाइट्रोजन की, इन दोनों में नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या है, इन दोनों की शेप क्या होगी. तीन क्वेश्चन कल कराए थे मैंने, एक ये क्वेश्चन और एक ले लेते हैं ये वाला भी ले लेते हैं. सी एच एफ थ्री, सी एच सी एल थ्री, सी एच बी आर थ्री, सी एच आई थ्री. अभी तो तुमसे हो जाएगा, इजी लगेगा थोड़ा. इनका एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर, इनका एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर, ये तीन क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड. तीन क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड. बताओ जल्दी से आंसर इनके तीनों के. निकाले किसी ने आंसर्स के? सर सबसे ज्यादा सी एच एफ थ्री होगा.
नहीं मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, तीनों क्वेश्चन। आदित, अखिलेश, अखिलेश यस सर। अखिलेश तूने फिर देख सुनाना बंद कर रखा ना, कल सुनाना था तेरे को, आज थर्सडे है ना, कल वेडनेसडे को सुनाना था तूने। यस सर। फिर आज कर दूंगा कॉल में। अखिलेश तू खुद ध्यान रखा कर, देख मेरे को तो बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं, मेरे को तो मेरे दिमाग में नहीं रहता ना, नहीं तो मैं खुद कॉल कर दूं तेरे को, अभी मैंने देखा है ग्रुप में तो बोला मैंने। आदित, आदित, सिद्धांत, यस सर, सिद्धांत है ग्रुप में, सिद्धांत, सिद्धांत वो तेरा डिस्कशन हो रहा है उसके साथ कि नहीं, सुधांशु के साथ? सर अभी बंद है क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं। एग्जाम चल रहे तो बंद क्यों किया हुआ है? कुछ फॉर्मूले ही सुना दे चैप्टर्स के, कुछ तो चलता रहे ना। सुधांशु कुछ नहीं सुनते सर, कुछ नहीं सुना रहा है सर। सिद्धांत अब तू देख ले, तेरे सामने ही बोला ना भाई, तू तेरे भले के लिए कर रहे ना, तो तू क्यों नहीं कर रहा है काम? सिद्धांत बात मान ले, तेरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी इससे, इसको मत मिस कर एक भी दिन। सुधांशु मेरे को मैसेज कर दिया कर जरूर। ओके सर। आज ये अभी बता देगा क्या सुनाएगा, ये बता दे जल्दी से सिद्धांत। सर सॉलिड स्टेट पूरा सुना दूंगा। चलो कुछ मेरा इसी से स्टार्ट कर ले, फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए ढंग से, और जब भी चैप्टर तेरा होगा ना फॉर्मूले जरूर कर लेना। नेम एक्शन कर लिए तूने क्या सिद्धांत? सर कर रहा हूँ। नेम एक्शन जरूर भेजो ग्रुप में ताकि ये हो जाए काम से। अच्छा आंसर निकाल लिया इसके? वेदांत आंसर बोलने हैं। यस सर ट्राई तो हो रहा है। हाँ बोल वेदांत। तो सबसे पहले मैं BF3 फिर BCL3 फिर BBR3 फिर BI3। सबसे अच्छा ल्यूस एसिड कौन सा है? नहीं सर ये मैंने बैक बॉन्डिंग का बताया। अच्छा सही, बैक बॉन्डिंग का रहेगा। ल्यूस एसिड कौन सा अच्छा होगा फिर? सर वो रिवर्स हो जाएगा फिर। बहुत अच्छे, भूलना नहीं, उल्टा नहीं करके आना पेपर के अंदर। अच्छा इन दोनों में SiH3 होल थ्राइस एन, CH3 होल थ्राइस एन, कौन सा अच्छा ल्यूस बेस है? सर CH3 होल थ्राइस एन वाला। हाँ क्योंकि उसमें एन के लोन पे कहां चले जाएंगे, सिलिकॉन के वेकेंट डी ऑर्बिटल बता रखा मैंने। इसके अंदर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे नाइट्रोजन क्या होता है SP2, ये नाइट्रोजन क्या होता है SP3, याद है कि नहीं? यस सर याद है। और ये ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का, CHF3, CHCl3, CHBr3, CHI3, ऑर्डर क्या होगा एसिडिक कैरेक्टर का, एसिडिक कैरेक्टर। सर सबसे ज्यादा CHCl3 फिर CHBr3 फिर CHI3 और फिर CHF3। नहीं वेदांत तूने सोचा बहुत अच्छा है, लेकिन आंसर ये है CHCl3 फिर CHF3 फिर CHBr3 CHI3। देखो बहुत ध्यान से देखना सर, CH है, F है, F है और F है, ये है ना। देखो F इलेक्ट्रॉन खींचेंगे अपनी तरफ, F इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे F तो C पे आया पॉजिटिव, पॉजिटिव आते ही इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, यानी दिस शुड बी मोस्ट एसिडिक। CF3 माइनस बन गया, माइनस को फ्लोरिन स्टेबलाइज भी कर सकता है,
और एच प्लस, एच प्लस रिलीज हो गया ना, एसिड तो वही होता है ना जो एच प्लस आसानी से रिलीज कर दे, लेकिन अब सी एच सी एल थ्री जब आया, जब सी एच सी एल थ्री आया तो उस केस में सी एल की इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी नो डाउट कम हो गई है, ये कम खींचेगा, मैं इसलिए एक ही एरो दिखा रहा हूं, ये कम खींच रहा है। सी सी एल थ्री नेगेटिव बना, लेकिन जैसे ही सी सी एल थ्री नेगेटिव बनेगा तो वो बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा, समझ गए कि नहीं है, जब ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि सी के पास लोन पेयर है माइनस चार्ज है और क्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, तो सी के लोन पेयर क्लोरीन के वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में स्टेबलाइज हो जाएंगे, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, इस वजह से इसका इतना पार्ट बहुत स्टेबल है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, 2p pi 3d pi बैक बॉन्डिंग इसकी वजह से, तो इसलिए एच को ये फेंक देगा, यानी ये एसिडिक बन गया, इसमें इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होनी नहीं है, क्यों, क्योंकि 2p pi 4d pi है, इसमें इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होनी चाहिए क्योंकि 2p pi 4d pi है, तो क्या रखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की ज्यादा है, इसलिए आंसर क्या आएगा, 2, 1, 3, 4, कोई डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें, चलो नेक्स्ट दिखेंगे, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, हाँ तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ऑर्गेनिक से रिलेटेड भी है लेकिन है बैक बॉन्डिंग, नेक्स्ट करेंगे ऑर्गेनिक में, मैं इसको और अच्छा क्वेश्चन बना दूंगा, उसमें मैं रेजोनेंस भी लगा दूंगा, तो ये इस क्वेश्चन को और बेटर कर दूंगा मैं, देखते हैं किसको याद रहेगा उस समय, देखो अब तुम्हें, चलो एक क्वेश्चन और देखेंगे, जैसे दिया मैंने तुम्हें इसको, इसको करते हैं SO3 SO2 SO4 2 negative SO3 2 negative, तुम्हें इसको अरेंज करना है इसको करेंगे हम SO बॉन्ड लेंथ में, SO बॉन्ड लेंथ में, या बॉन्ड स्ट्रेंथ में कर लो या बॉन्ड ऑर्डर में कर लो, एक ही बात है, कर लिया, यस सर, किसने किया है सर, उज्जवल को, उज्जवल उज्जवल बोल सर, SO3 SO2 SO3 2 negative SO4 2 negative, ये क्या होता है, बॉन्ड होता है, बॉन्ड लेंथ होता है सर, बॉन्ड ऑर्डर, तेरे अकॉर्डिंग SO3 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा यही ना, यस सर, रीजन देख बार सर, इसको आपने बताया था 1.32 आता है किसका, SO3 का, SO3 का 1.33 आता है, यस सर, चल SO2 का सर, फिर आपने उसको ड्रैगोस रूल और उससे बताया था पेट रूल से, हाँ जी सर, जिसमें ज्यादा लोन पेयर है, और पहले फिर हम हाइब्रिडाइजेशन भी चेक करें, चलो उज्जवल के अलावा कोई और ट्राई करेगा सर, SO3 और SO2 का इक्वल, फिर SO4 2 negative और फिर SO3 2 negative, अच्छा देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1+1/3 ना वेदांत, 1.33, इसका SO4 2 negative का सर 1.5, और अच्छे 1+2/4 1.5, और SO2 और SO3 वेदांत इसमें इक्वल नहीं है, तो आंसर क्या बोलेगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल नहीं है,
थ्री का ज्यादा SO2 जब है और SO3 जब है, यही किया ना वेदांत तूने? यस सर। अब देख लोन पे इधर से धक्का देगा, इधर लोन पे ज्यादा धक्का देता है तो एंगल कुछ तो कम होगा, 118 हो जाएगा। यस सर। तो एंगल जब कम हो जाएगा तो परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो जाएगा? एंगल कम तो परसेंटेज एस करेक्टर कम। एसपी में देखना 180 डिग्री का एंगल है तो एस करेक्टर 50% है, एसपी टू में एस करेक्टर कितना है 33.33%, तो 120 का एंगल है, एंगल कम हो रहा है तो एस करेक्टर कम हो रहा है कि नहीं? यस सर। तो एस करेक्टर इसके अंदर कम हो जाएगा थोड़ा सा, सही ना? एस करेक्टर कम हो जाएगा तो क्या होगा? बोलो सोच के, एस करेक्टर पूरा रीजन दे दिया सब कुछ मैंने यहाँ पे। एस करेक्टर कम होगा तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस के पास जाएगा, न्यूक्लियस के पास जाएगा ना, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, तो क्या मान सकते हैं इससे हम? यहाँ पे प्योर sp2 है, देखो सर जल्दी देखेंगे, यहाँ प्योर sp2, तो यहाँ पे 33.33% का एस करेक्टर है, इसमें एस करेक्टर मान लो तुम 30% आ गया, एस की परसेंटेज 30 हो गई, तो क्या होगा इससे? न्यूक्लियस थोड़ा दूर हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, एस करेक्टर कम हो गया ना, बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या मान सकते हैं? कम हो गया। वेदांत नहीं क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेना फिर ऐसे ही, ये क्वेश्चन तुम को ट्राई करोगे, मैं बस क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन है तुम्हें करना है एस टू O6 2 नेगेटिव, S2O5 2 नेगेटिव और एक ले S2O4 2 नेगेटिव, इसको अरेंज करना है SS बॉन्ड लेंथ पे, SS बॉन्ड लेंथ पे। अगर किसी को बोलना तो जल्दी से आंसर बोल देंगे, SS बॉन्ड लेंथ पे। देखो बेंड रूल लगेगा इसमें, S2O6 सब में SS बॉन्ड आएगा, मैंने बता रखा तुम्हें क्यों आएगा SS बॉन्ड सब में, जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? लेस देन मैक्सिमम होगी सल्फर के इसमें, तो क्या होता है SS बॉन्ड बनता है सब में, किसी भी तरीके से कर सकते हो, SS बॉन्ड ही रहेगा सल्फर वाले में, बस H2S2O7 को छोड़ के जिसमें मैक्सिमम स्टेट क्या है 6C है। तो इसमें आप देखो इन सब में ध्यान देना, इन सब में क्या होगा? परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा बेंट रूल, परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा बेंट रूल, तो इसलिए इस बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? नहीं क्लियर हुआ? इसलिए आंसर ये आएगा। वेदांत क्लियर हुआ है क्वेश्चन? यस सर। निकाला था आंसर क्या? सर ये वाला निकाल लिया। चलो इसमें इसमें भी बहुत क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस मैं तुम्हें बाद में कराऊंगा, इसके इसके क्वेश्चंस मैं तुम्हें बाद में कराऊंगा, तुम अभी नोट कर, अब स्टार्ट करेंगे आज ब्रिज बॉन्ड, रीजॉइन कर लेंगे।